सुबह ऋषिकेश मेरे पास आया और मुझे बोला कि हमें कैंप में जाना है, मेरा एक कुर्ता है उसको हाथ रफू कराने के लिए। तो हाथ रफू इज ऑल्सो नोन एज हैंड आर्म्ड। तो हमने कुर्ता टेलर को दिया और टेलर बोला कि इसको 2 घंटा तो लगेगा। तो हमारे पास क्या ही था, तो हमने सोचा कि चलो टाइम है तो कैंप में घूम लेते हैं और वो चीजें तुम्हें दिखाएंगे इस ब्लॉग में। एंड जैसे कि टाइटल कहता है, मिर्जापुर वर्सेस कैंप 1992 का रिव्यू, वो भी तुम्हें इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग का प्रारंभ करते हैं। त्याचा काही एवढा इश्यू नाही, रोहितून पुढे कॉलेज आहे आमचं। हे रोहित सेंट हे झेवियर सेंट चर्च आहे, चर्च का सेंट झेवियर हे का झेवियर सेंट। ओके सिक्वेन्सचं भेटतं काय, बाकीचं पण भेटतं ना, फ्रूट भाजी भेटतं। मार्केट म्हणजे जनरल मार्केट आहे, चिकन साठी जास्त हे आते बघ दुंगा अभी छुट्ट्या नाही ना, दस दस असते ना, नाही गावला तर बरं आहे पण जाऊ तसंच। हॅलो 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 त्याला खायला भेटत असेल तर भेटून दे ना। अरे जो कुर्ता था इसका वो हाथ रफू को उधर देके आए, शिवाजी मार्केट से घूम के आए और अभी हम इधर दौरबजी मॉल को जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पापा उस दिन मेरे को दुकान में बता रहे थे कि दौरबजी मॉल में जो खजूर मिलता है, खजूर डेट्स, द डेट ओनली दैट आई हैव इन माय लाइफ दुकान अतले। सोचा उधर जाके देख के आते हैं वो खजूर जो पापा बोल रहे हो क्या है, कितने की है। तो अंदर जाने के बाद पहले तो पता नहीं था यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड है क्या नहीं, तो इस तरह कुछ स्टिंग ऑपरेशन की तरह मैं अपना कैमरा लेके घूम रहा था। फिर मैं गया इम्पोर्टेड वेजीज के सेक्शन के, वहाँ मैंने वहाँ देखा कि मेरे उससे भी छोटा यहाँ पे गाजर है, मेरे उंगली से भी छोटा यहाँ पे गाजर है। और ये देखो इधर ही डेट्स थे, पर हम अंधे लगे रहे ढूंढते और आगे ढूंढते ढूंढते हमें कुछ अतरंगी सेक्शन दिखे। डेट्स तो कुछ दिखते डेट्स डेट्स, अच्छा ये तो ना बेबी फूड पण आहे, तिथं खाली वाईन्स अँड बिअर पण आहे, काही सेक्शन बनवलं त्यांनी। टर्की हॅम। फिर पूरा मॉल सेकंड फ्लोर तक ढूंढ के आने के बाद हमने सोचा कि चलो स्टाफ को ही पूछ लेते कि भैया सबसे महंगा वाला डेट है कहाँ। फिर अंकल ने पूछा क्यों खरीदना है, फिर हमने बोला हमारी शक्ल देखो, फिर वो बोले हाँ बस देखना है क्या, वो इम्पोर्टेड सेक्शन है उधर जाओ। फिर हम फाइनली वही इम्पोर्टेड वेजीज के सेक्शन के पास गए और मुझे ये दिखा। दिस वन अभी डोरब जी से आगे वाले मॉल में हम SGM है, SGS मॉल में आए हैं हम। वी आर थिंकिंग टू ईट समथिंग। गाइस अभी थोड़ी सी क्वालिटी कम होगी इसके बाद, बिकॉज मेरा मोबाइल का 64GB मेरे मोबाइल का स्टोरेज है और उसमें से यूज कितना हुआ पता है तुम्हें, 64.00। गाइस मैं अभी ये कर रहा था और यहाँ से रोहित शर्मा आया और बोला ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। गाइस दिस इज नाउ द टाइम व्हाट द टाइटल इज जिसके बारे में हम बात करने वाले, मास्क खा लिया था ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बोलने वाला कि मिर्जापुर जो है मिर्जापुर 2 छेड़खानियां करे ऐसी की तैसी। बहुत मजा आया गुल्लू, तुम सब लोगों ने देखा ही होगा मिर्जापुर 2। बकवास ये बोल रहा है बकवास, बट मेरे लिए 1 इधर था और मिर्जापुर 2 इधर किधर था, तो मतलब मिर्जापुर 2 वाज नॉट At that level of Mirzapur 1, but was good. वो बहुत ज्यादा बॉलीवुड लगा, बहुत सारे ना जो मीम थे ना वही जोक फिर से आ गए। तो भोसड़ी वाले चाचा से एक फक्त मीम होता, इट वॉज जस्ट अ मीम, पूरा सीजन 2 में उसके ऊपर चला है। मतलब चाचा इतना मेन रोल प्ले करते ना सीजन 2 में, वो तुमको पता चलेगा तुम देखने के बाद। एंड आई एम सेइंग अबाउट मिर्जापुर 2 एंड हियर इज भोसड़ी वाले चाचा। ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी सिर्फ अपने राइटिंग सुपर डायलॉग राइटिंग चाह रहे, तू घर ही जा रहे। मैंने आपको मिर्जापुर सीजन 2 का रिव्यू बताया, पर इसका कहना है कि स्कैम 1992 उससे बेटर है। 1992 हम मधी मधी बोलने बार के दहावी जा अभ्यासाला, पर जा चल निकल चल जल्दी चल।
स्कैम 1992, पहले मुझे ये लगा था कि जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है उनको ही मतलब ये समझ में आएगा, लेकिन वैसा नहीं है एक्चुअली, सबको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। उन्होंने पिक्चरिंग और मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से ये किया है, कास्ट किया है। प्रतीक गांधी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें। बहुत रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। और IMDb वालों ने उसको 9.6 रेटिंग भी दिया। दिस इज अ वेरी नोटेबल पॉइंट दैट स्कैम 1992 9.6 रेटिंग मिला है उसका IMDb का। हां 9.6 yes. और हमने अभी इधर स्कैम 2020 भी किया था तो उसके बारे में वो बताएगा आपको। मतलब हमने रफू करने के लिए गए थे, हमको मालूम था कि रफू के लिए 200 से ज्यादा पैसे लगेंगे, मतलब ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ मतलब हाँ ज्यादा नहीं लगेंगे, 200 से ज्यादा नहीं लगेंगे। हमने उधर गए, अंकल को बोला अंकल रफू करने के लिए कितना लोगे, अंकल बोले सिर्फ 100 रुपीज। पर घर से जाते वक्त हम कितने पैसे लेकर गए थे? 1000 एक बात थी कंफर्म है कि मिर्जापुर सीजन 3 जो है उसके लिए इतना क्रेज नहीं रहेगा, क्योंकि वन ऑफ द मेन जो कैरेक्टर लोगों को पसंद आया था वो था मुन्ना भैया, और वो लास्ट एपिसोड में सीजन 2 के टाइम गड़बड़ लगी यहाँ से बगते माझ्याकडं बोलना बोलना इवन एक मैं भी बता रहा हूँ, मेरा भी फेवरेट मुन्ना था। एंड सिर्फ अपने बुक चालू की है पढ़नी तो अभी पूरी करनी है, इसलिए देखेंगे क्या ही देखना है उसमें भी क्या ही रहेगा। हमसे लग रहा है कि शरद शायद है ना मिर्जापुर के कुर्जी पे बैठे गए, बिकॉज उसने अभी लास्ट एपिसोड में आनंद पंकज त्रिपाठी से ना होगा सर कालीन भैया को बचाया। हाँ बस इतना ही था रिव्यू, इतना ही बोलना था। हेलो बाय टाइमिंग बराबर झालं एकदम। बेवफा समय